नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हिंदुस्तान की दुनिया तक। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर पत्रकारों को घायल कराने पर केस दर्ज। समस्त पत्रकार बंधु कर रहे हैं हमले की घोर निंदा। सवाल पूछने पर झटपटा गए सपा सुप्रीमो। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर उनको पिटवाने पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव व उनके समर्थकों के व और सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ इंडियन प्रेस अलायंस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तरुण पाराशर ने थाना पाकवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अपराध संख्या 82/2021 धारा 147, 347 व 323 के तहत केस दर्ज कर लिया है। आपको बताते चलें कि 11 मार्च की शाम को होलीडे रेजिडेंस पाकवाड़ा मुरादाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसी समय कुछ पत्रकारों ने सपा सुप्रीमो से कुछ व्यक्तिगत सवाल किए, जिस पर सपा सुप्रीमो बुरी तरह से नाराज हो गए। उन्होंने अपने गार्डों व समर्थकों को पत्रकारों पर हमला करने के लिए उकसाया, जिस पर सुरक्षाकर्मी व उनसे कम से कम 20 समर्थकों ने पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पत्रकार बुरी तरह घायल हो गए, कई पत्रकारों व गंभीर चोटें भी आईं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाने में दी गई तहरीर में पत्रकारों ने बढ़ चढ़ कर हस्ताक्षर किए। वहीं मुरादाबाद पुलिस को जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव की ओर से भी फरी शमशी व उबैदुल रहमान पत्रकार के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने की तहरीर दी। सपा जिलाध्यक्ष ने पुलिस को बताया कि जेड प्लस सुरक्षा के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सितारा होटल पहुंचे थे। प्रेस वार्ता शुरू होने से ठीक पहले फरी शमशी व उबैदुल रहमान नाम के दो व्यक्ति होटल पहुंचे। दोनों ने खुद को पत्रकार बताया। दोनों लगातार सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुरक्षा कर्मियों व समर्थकों पर छींटा कसी कर रहे थे। प्रेस वार्ता खत्म होने के बाद दोनों ने पूर्व मुख्यमंत्री को प्रेस आई कार्ड दिखाया और सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए जबरिया बाइट लेने पर आमादा हो गए। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की की, बेहोशी का भी नाटक किया। कथित पत्रकारों ने पूर्व मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। वहीं मुरादाबाद एसपी अमित कुमार ने मीडिया को बताया कि दोनों पक्षों ने तहरीर दी है। मीडिया कर्मियों की तहरीर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया लिया है। वहीं सपा जिलाध्यक्ष की तहरीर की घटना की जांच कर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। यूपी 76 न्यूज भी पत्रकारों पर हुए हमले की घोर निंदा करता एवं हमले के घायल हुए अपने पत्रकार भाइयों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में, किसी और समस्या को लेकर, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।